गाइस गुड मॉर्निंग। सो आज मैं शूट कर रही हूँ ब्लॉग। काफ़ी टाइम के बाद मुझे टाइम मिला है कि मुझे ब्लॉग शूट करना चाहिए। सो फाइनली एंड आज मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ अपना लिविंग रूम, क्योंकि मैं बोर हो गई थी वो एक ही चीज़ें देख देख के। तो मैंने न्यू सोफ़ा करवाया है, न्यू कर्टन्स लिए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने की है। सो मैंने सोचा उस बहाने एक ब्लॉग भी शूट हो जाएगा। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं आज थोड़ी लेट उठी थी। सो अभी जस्ट मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और हमारा ब्रेकफास्ट क्या बना है आज? आई थिंक पोहे बने हैं, मे बी। यस, पोहे बने हैं। सो हम ये खा पी के फिर आपको मिलती हूँ। यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, खाना पीना सब हो गया है। सो जिस सोफे पे मैं बैठी हूँ ना, यही सोफ़ा मैंने ऑर्गेनाइज करवाया है, मतलब रिनोवेट करवाया है मैंने। मेरे पुराने सोफे थे बट जस्ट उसका जो ऊपर का फैब्रिक है वो चेंज कर दिया है। पहले वो आई थिंक ग्रीन कलर के थे, हाँ मे बी ग्रीन, हाँ ग्रीन कलर के थे, बट मैंने ग्रे एंड डार्क ग्रे में कॉम्बिनेशन में करवाए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड वहाँ पर कर्टन्स भी मैंने वैसे ही सेम डाले हैं कि लुक वाइज अच्छा लगना चाहिए। एंड पूरी वॉल वाइट है तो लुक वाइज बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड साइड में मैंने एक लैंप भी लगाया है जो है वो आइकिया का लैंप है, मैंने आइकिया से मंगवाया है। एंड अभी मुझे करना है थोड़ी सी क्लीनिंग, क्योंकि क्लीनिंग के बाद ही मैं बाकी सारी चीज़ें कर सकती हूँ। एंड आज रामनवमी है, जय श्री राम, और हमारे घर पे भजन भजन भी चल रहे हैं। सो अभी मैं जा रही हूँ किचन में कुछ कुछ करने के लिए, क्योंकि कुछ काम भी है मुझे। सो मुझे वो भी फिनिश करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ। और अभी तक मेरी मौसी नहीं आई है तो मुझे भी वाइंड अप करना पड़ेगा, तो मैं हल्का फुल्का वाइंड अप कर लेती हूँ। फाइनली मैं आ चुकी हूँ वापस से कैमरा लेके मैं अपना, क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या करूँ। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं एंड अभी जाना है मुझे शावर लेने, क्योंकि मैंने सुबह से शावर नहीं लिया है। सब लोग मुझे चिल्ला रहे शावर ले ले, शावर ले ले। तो फाइनली मैं जा रही हूँ शावर लेने, उसके बाद मैं हल्का फुल्का स्किन केयर करूँगी। एंड मेरी स्किन है ना आजकल थोड़ी सी अलग सी लग रही है, आई डोंट नो वाई, बट हाँ ऐसा मुझे भी लग रहा है, तो डिफरेंट लग रही है। एंड इस वीकेंड को मैं होपफुली जा रही हूँ हेयर कट करने के लिए। गाइस मुझे भी हेयर कट करवाने ही करवाने, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ना अभी मैं ना बोर हो चुकी है एक ही हेयर स्टाइल करते करते। सो आप मेरी है ना हेयर्स की लेंथ देखोगे ना, सो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो आई थिंक मैंने हाफ एन इंच भी कट करवाया ना तो भी काफ़ी अच्छा है। सो मैं भी इतनी लेंथ करवा दूँगी, शॉर्ट करवा दूंगी, क्योंकि शॉर्ट ज़्यादा अच्छी लगती है आजकल। एंड मेरी लेंथ के हिसाब से देखा जाए ना तो मुझे 2 घंटे लगते हैं जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ, मुझे काफ़ी टाइम लगता है हेयर वॉश में। सो मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती कि 2 घंटे तक कौन बाल वॉश करेगा। एंड एक और चीज़, उसको ड्राई करने में भी मुझे इतना ही टाइम लगता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है मेरा। सो इसीलिए मैं हेयर कट करवा रही हूँ कि मुझे चॉप ही करवा देने, मुझे रखने ही नहीं लंबे बाल। बट लोग मुझे बोल रहे क्यों कट करी क्यों करी, बट बस बहुत हो गया, बहुत लंबे रख लिए मैंने बाल, अभी मुझे कट करवाने ही करवाने। सो पहले मैं जाती हूँ शावर को, देन उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने शावर ले लिया है एंड अभी मैं थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी, क्योंकि मैं रोज़ करती हूँ ये वाला रूटीन। सो यहाँ पे मैंने यूज़ कर रही हूँ डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र। ये प्रोडक्ट मेरा फेवरेट हो चुका है गाइस, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आपकी ड्राई स्किन है या सुपर ड्राई स्किन है या फिर सेंसिटिव स्किन है तो आप ये वाला प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नेविया का रोलर, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा स्वेट होती है क्योंकि समर स्टार्ट हो गया, या फिर रोलर या जो यूज़ करते हैं, बट मोस्टली मैं रोलर प्रिफेयर ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है वो लगाना। नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा बॉडी लोशन, एंड वो तो मैं भर भर के लगाती हूँ हर जगह पे क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और उसमें से एक फ्रेग्रेंस भी आती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में से एक फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, बैड फ्रेग्रेंस नहीं। मेरा स्किन केयर हो चुका है, मेरी सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी है। सो अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए, शावर हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं। ओह गॉड आज क्या बना है,
ओके, हमारे घर पे मिक्स वेज बना है। आई लव मिक्स वेज, मुझे अच्छा लगता है मिक्स वेज, बट इसको गर्म करना पड़ेगा, मैं ठंडा में नहीं खा सकती। और हम बनाएंगे एवोकेडो की चटनी, मज़ा आएगा खाने में। तो यहाँ पे मैंने ड्रिलिंग करवाई है होल में, क्योंकि मुझे ऐसे ना सेल्फ लगवाने थे काफ़ी सारे, सो मैंने ऑलरेडी काफ़ी जगह पे लगा दिए। एंड ये भैया काफ़ी लेट आए थे, काफ़ी लेट कर दिया था उन्होंने। एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा था मेरा लिविंग रूम, बट अब ये पूरा चेंज हो गया है गाइस, पूरा चेंज कर दिया है मैंने, क्योंकि वो लगाने के बाद, वो सारी चीज़ें आने के बाद, वो लुक्स नाइस। एंड बहुत जल्दी आपको एक मेरा लिविंग रूम का पूरा एक वीडियो दिखेगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा मेरा लिविंग रूम, एंड दैट्स इट। ओके गाइस, कल रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो फिर मैंने ब्लॉग करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी मेरी, यहाँ पे ड्रिल करवाना, वहाँ पे ड्रिल कराना, और मैंने अभी तक कुछ रखा भी नहीं है, वैसा का वैसा छोड़ दिया है, और कचरा भी वैसे ही पड़ा है नीचे। देन मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और अभी बज रहे सुबह के 8। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।